हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है डेट इज़ योर इनपुट आउटपुट रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। यानी कि अब जो रेफरेंस मिल रहा है वो किसका है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो हमें जो ऑपकोड्स हैं वो कहाँ, यानी कि ऑपरेशंस जो कोड्स हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं, कहाँ, एड्रेस बिट्स के अंदर जहाँ हम ऑपरेंड्स को स्टोर करते हैं। तो 0 से 11 बिट तक जो हैं वो आईओ ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म हो सकते हैं, 12 to 14। जबकि ये हमारे पास किसके लिए होता है, एड्रेस बिट्स के लिए। 12 to 14 जो है 111 है, यानी कि ये फिक्स्ड है। इसी तरह हमारे पास जो मोड बिट है, यानी कि एड्रेसिंग मोड बिट है, वो भी आपके पास फिक्स है, डेट इज़ योर 1। सो फर्स्ट 12 बिट्स यानी कि 0 से 11 तक आप स्पेसिफाई कर सकते हैं फॉर आईओ ऑपरेशंस के लिए। यानी कि यहाँ जो आईओ ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो हमें फर्स्ट 12 बिट्स के अंदर होने चाहिए। द नेक्स्ट 3 बिट्स इक्वल्स टू 111 स्पेसिफाई ऑपकोड। जो नेक्स्ट 3 बिट्स हैं, ठीक है, वो ऑपकोड के लिए, यानी कि ऑपरेशंस जो परफॉर्म होने हैं वो हमें मिलेंगे 111, यानी कि 3 बिट्स के अंदर। द लास्ट मोड बिट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज 1। जो लास्ट मोड बिट है वो भी फिक्स्ड है, वो डेट विल बी 1। ठीक है, तो डायरेक्ट के लिए 0 था, बट इनडायरेक्ट के लिए वैल्यू क्या होती है मोड बिट की, डेट इज योर 1। सो देयरफॉर द लेफ्ट मोस्ट 4 बिट्स आर ऑलवेज, यहाँ पर क्या है वो फिक्स्ड रहेंगी, डेट इज योर 1111। सो विच इज इक्वल टू हेक्साडेसिमल कोड जो है, डेट इज F, आप सबको पता है, डेट इज योर 15th, है ना। नेक्स्ट, अब हमारे पास इनपुट आउटपुट रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसके लिए कुछ सिंबल्स हैं, कुछ हेक्साडेसिमल कोड्स हैं, और वो करती क्या हैं, तो चलिए इनको स्टडी करते हैं। तो इनपुट जो है वो आपके पास है इनपुट करैक्टर, ठीक है। इनपुट करैक्टर अगर मुझे करना है टू एक्युमुलेटर, तो सब चीज़ें कहाँ जाएंगी, थ्रू एक्युमुलेटर ही जाएंगी। तो एक्युमुलेटर क्या करेगा, उसको चेक करेगा, इनपुट करैक्टर टू एक्युमुलेटर। नेक्स्ट जो इसका हेक्साडेसिमल कोड है, डेट इज योर F800, ठीक है। नेक्स्ट आउटपुट F400, आउटपुट करैक्टर फ्रॉम EC, स्किप ऑन इनपुट फ्लैग, ठीक है। स्किप ऑन इनपुट फ्लैग जो है SK हो गया, स्किप I फॉर इनपुट, इसी तरह O फॉर आउटपुट। सो स्किप फॉर इनपुट फ्लैग जो है वो हम किसके लिए यूज़ करेंगे, डेट इज़ योर 7200, ठीक है, डेट इज़ योर 7200, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास SKO, स्किप आउटपुट F100, सो डेट इज़ स्किप ऑन आउटपुट फ्लैग। ION, डेट इज इंटरप्ट ऑन, अगर कहीं से इंटरप्ट आ गया तो फटाफट से इनपुट से इंटरप्ट आया। आप लोगों ने देखा होगा कि सपोज हम कोई काम कर रहे हैं, है ना, या आउटपुट से आया, अगर सपोज हम कोई काम करें, कोई प्रिंट कर रहे हैं, सपोज पेपर या प्रिंटर की कोई प्रॉब्लम आई, तो फटाफट से हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक पॉपअप मेनू प्रिंटर की तरफ से जो है वो हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है, तो इंटरप्ट ऑन होगा या इंटरप्ट ऑफ होगा। तो इंटरप्ट ऑन जो है वो डेट इज़ योर हेक्साडेसिमल कोड, डेट विल बी डन थ्रू द F080, एंड इंटरप्ट ऑफ जो है, यानी कि इंटरप्ट दिखता ही तो नहीं रहेगा ना स्क्रीन पे, तो हम उसको जब ऑफ करते हैं, सो डैट विल बी डन थ्रू द हेक्साडेसिमल कोड, डैट इज़ योर F040, देन द इंटरप्ट विल गेट ऑफ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, डैट इज़ योर इनपुट आउटपुट रेफरेंस